तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रॉल पास सीज़न 13 की, जो एक टाइप क्योंकि गेम में आ चुकी है और काफ़ी मस्त डीप सी सीनरी लग रही है, मतलब सीनरी नहीं बोल सकते, एक थीम बोल सकते हैं। और न्यू मैप आ चुका है, जेम ग्रैप में न्यू मैप आ चुका है, और जेम ग्रैप और स्टार वाला मैप दोनों सेम ही है। सम टाइम मैंने खेला तो मेरे को सिमिलर ही लगा, और कुछ नया नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं मैप में। और शॉप सिस्टम भाई देखोगे तो पागल हो जाओगे। ब्रॉल पास डायरेक्ट आप शॉप से ख़रीद सकते हो, और 249 वाला सिस्टम हटा दिया गया है। दो गिफ्ट भी दे चुके हैं, एक न्यू आइकन भी दिया है जो हम अभी जल्द ही खरीदेंगे, वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और क्लब का डायरेक्ट शॉप यहीं पे मिल चुका है, शॉप में ही, और सब कुछ नॉर्मल है। बाकी बहुत सी चीज़ें न्यू की गई हैं, जैसे मैंने बताया क्लब वाला प्लस वो, और न्यू आइकन्स। और हर न्यू घंटे मतलब आपको न्यू प्रिंट्स मिलेंगे, वो स्प्रेड होता है ना वो। और हमने अपना न्यू अनलॉक कर लिया इमोजी, वो था। और न्यू फ्री बॉक्स सब क्लेम कर रहे हैं, मेगा बॉक्स। आजकल मेगा बॉक्स में कुछ खास मिलता नहीं, और मुझे तो एकदम ही नहीं मिलता, क्योंकि भाई कुछ देते ही नहीं ब्रॉल स्टार यार, क्या ही करें। न्यू ब्रॉलर मिलते ही नहीं, ना गैजेट मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं, और कुछ खास वैल्यू अब मेरे को लगता नहीं मेगा बॉक्स का। जो पहले था मेगा बॉक्स का वैल्यू, अब है नहीं। तो फाइनली हमने मेगा बॉक्स कुछ खास मिला नहीं मेरे को, और ये पिन जल्दी हम लोग कलेक्ट करेंगे। हमने इस सीज़न का ब्रॉल पास नहीं लिया, अगर आप ले रहे हो तो बताना ज़रूर। अभी हम लोग ये मैप भी खेलेंगे जो अभी न्यू ब्रॉल स्टार वालों ने दिया है, कैसा है मैं बताऊंगा। अभी जिम ग्रैप खेलते हैं और बताता हूँ कैसा हूँ मैं। पूरा गेम नहीं खेल रहा मैं, आपको बता रहा हूँ कि मैप में क्या क्या चीज़ें, और काफ़ी इपिक लेवल मैप मेरे को लगा। मैंने खेला दो तीन, काफ़ी मैचेस खेले हैं और मेरे को काफ़ी। और ये जो लगता है भाई, ये दोनों फ्रैंक और एडगर लग रहे हैं जैसे कि मैच खेल, मतलब वो होता है ना एक सेल्फी रैपर टाइप सेल्फी होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो मैप में डीप सी फुल थीम जो है वो डीप सी, यहाँ पे एक फिश है अंडर जो वाटर होता है, काफ़ी जो डीप वाटर में होता है, डीप सी थीम का ही नाम है। तो वो है एक साइड में डीप सी प्लांट्स है जो अंडर द वाटर प्लांट्स होते हैं, वो हैं साइड में। एक ऑक्टो जेली फिश है शायद वही नाम है, आप नाम नहीं पता मेरे को। और साइड में भी सेम प्लांट है। और हम लोग अपोनेंट के साइड जाएंगे, यहाँ पे भी वो जो न्यू आइकन आया उसके टाइप का स्प्रे सब हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं पता क्या हैं। और यहाँ पे वो ऑक्टोपस है जो गेम में बात हुआ था, काफ़ी पिक लेवल और काफ़ी ह्यूज लग रहा है वो। तो चलिए गाइस, वो तो खेल लिया हमने, अब बात करते ये वाले मैप की। हंटर मैप शायद नाम है इसका, और ये न्यू, उससे पहले हम लोग ये न्यू ब्रॉलर ऑर्टिस नाम है, जो भी नाम है इसका, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, भाई मैं ब्रॉलर ट्राई करते हैं कि कैसा है ब्रॉलर। देखा जाए तो भाई ठीक ठाक लग रहा है अभी तो, भाई मेरे को जो लगा इसका रेंज पहले वो चीज़ करते हैं पता, क्योंकि घूम वूम ठीक रहा है, उसके ऊपर स्टार है। और ये रेंज उसका मतलब डिसेंट है, डैमेज 420 का दे रहा है, 3 बार डैमेज देता है 420 के हिसाब से। और एबिलिटी आ गया, और एबिलिटी देखते हैं इसका कैसा है। एबिलिटी का रेंज भी वही सेम है इसमें, क्या मतलब एबिलिटी में पॉइजन देता है क्या देता है, मतलब कुछ खास मेरे को लगा नहीं। अभी देखते हैं फील्ड में इसको बैटल में उतार के कि कैसा लगता है, मेरे को कुछ खास फील नहीं हुआ इस ब्रॉलर के साथ। हाँ भाई, जैसे फ्रैंक था, लोला था, ये सब कुछ इपिक लेवल के हाँ चीज़ें थी। और ईवी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि मैंने ईवी की वीडियोज़ भी बनाई थी, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उसके साथ खेल के। लेकिन अब इसका पता नहीं, मैं इस सीज़न का तो लूँगा, लेकिन मैं अपनी मेन आईडी से सोच रहा था कि मेरे को लगा कि काफ़ी इपिक लेवल देगा, लेकिन इस बार के स्किन्स काफ़ी इपिक लेवल के हैं। ब्रॉलर मेरे को कुछ खास लगा नहीं गेम प्ले के हिसाब से, लेकिन मैं लूँगा ज़रूर। और गेम प्ले वीडियोज़ भी आएंगी ये ऑटोस की, और भी जो अदर गेम प्ले वीडियोज़ भी आएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और अभी चलते हंटर मैप के लिए और देखते हैं कैसा लगता है। हंटर्स मैप है, और ये जो भाई बुलबुले जो निकलते हैं ना भाई अंडर द वाटर वाले, वो इपिक लेवल, इपिक लेवल भाई। इस बार का ना गेम का जो सीन है, सीनेरियो है, सब कुछ इपिक लेवल। अभी मेरा रैंक 1 शो कर रहा है, और यहाँ पे टारगेट 6 किल है मेरा, कि मैं 6 किल करना है मेरे को। तो
फर्स्ट किल मेरा हो गया, सॉरी फॉर रॉन्ग टारगेट, मैं अभी सेकेंड रैंक मेरा शो कर रहा है और मैंने फर्स्ट किल किया। अभी यहाँ पे मैं एक और किल करूँगा और ये एक और किल, टेक डाउन 4 लेफ्ट है मेरे, मतलब 4 और मारने। ओह शिट, मैं मर गया, कोई बात नहीं, मेरे को वो बियर मारने के चक्कर में मर गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस। अभी मेरा रैंक फर्स्ट शो कर रहा है, लेट्स सी। ओह रैंक 2 शो हो रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं, जो रैंक फर्स्ट है उसके ऊपर वो किंग टाइप का बना हुआ आ रहा है, तो हम लोग उसको मारेंगे। ओके ये स्प्रे मारा, मतलब ये बहुत वो, ये अच्छा, हाँ इसका तो वो बदल दिया गया, ये आप पैनी जो है वो सबका ब्रॉलर का पैनी जो है वो चेंज हो चुका है, तो आपके पास भी एक नई लुक और हैवी लुक, मेरे को काफ़ी पसंद है। एक एक करके ये सारे ब्रॉलर्स में डेवलप किया जाए ना, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि किसी को स्किन्स का ज़रूरत है, वो सारा एपिक ही होगा। और ये हमारा न्यू क्लब है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने बात किया था, मैंने लिंक देना भूल गया था, तो इस वीडियो के थ्रू आप आ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। और फाइनली हम लोग यहाँ से वो आइकन परचेज़ करेंगे जो हमने परचेज़ करने का बोला था, और फाइनली हमने वो परचेज़ कर लिया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, गेम प्ले वीडियोज़ के लिए वेट करना, और जैसे ही वो न्यू सीज़न का आएगा मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के, सबसे पहले गेम प्ले वीडियो आएगी इन 30 मिनट्स या 20 मिनट जैसे भी हो जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग, लव यू गाइज एंड बी कॉमेंटिंग।